हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटर ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्केट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर फ्लैट सॉर्ट कमांड के बारे में, और साथ में हम सीखेंगे सॉल्व प्रूफ कमांड के बारे में भी। तो इन कमांड्स का बेसिकली यूज़ किस लिए होता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी ड्राॅइंग्स के अंदर जिनके अंदर हमारे पास किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और लेफ्ट व्यू होता है, जो कि हमारा होता है 2D के अंदर। तो वो जो व्यू हमारा फ्लैट सॉर्ट कमांड के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो फ्लैट सॉर्ट कमांड का यूज़ हम कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉप व्यू ले लेता हूँ। तो अब जैसे यहाँ पर टॉप व्यू हमारा ये दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर 2D वायर फ्रेम भी कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर फ्लैट सॉर्ट कमांड लोगे, उसके बाद यहाँ पर फ्लैट सॉर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है डेस्टिनेशन का ऑप्शन, कि इसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन है, इंसर्ट न्यू ब्लॉक, रिप्लेस एग्जिस्टिंग ब्लॉक, एक्सपोर्ट टू फाइल, कि अगर आपको यहाँ पर अलग से इसका 2D प्रोजेक्शन क्रिएट करना है अलग फाइल में, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर इंसर्ट न्यू ब्लॉक रखेंगे। यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट हम स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखेंगे। स्केल मैं यहाँ पर 111 कर देता हूँ और रोटेशन एंगल मैं यहाँ पर 0 सेट करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ हमें विजिबल लाइंस का, कि आपको जो लाइन टाइप है वो कैसी चाहिए, लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, मगर हम ये दोनों एज इट इज़ रखेंगे। जो हमारी हिडन लाइन होती है दोस्तों, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लाइन टाइप चेंज कर लेता हूँ। लोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम हिडन लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिजोल्यूशन हम ये सेलेक्ट रखेंगे एज इट इज़, और यहाँ पर इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लू, और उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमसे पूछा इंसर्शन पॉइंट फॉर ब्लॉक, तो मैं इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर जैसे इसके अंदर यहाँ पर टॉप में दे देता हूँ ये, और उसके बाद यहाँ पर टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा सेक्शन प्लेन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ इधर ये, और फिर यहाँ पर टॉप व्यू लेंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारी हिडन लाइन थी वो हमारी ब्लू के अंदर आ गई। तो ये हमारा टॉप 2D प्रोजेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमारी ब्लू लाइन है वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये स्मॉल एरर होते हैं दोस्तों, जिनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे, एक्स एंटर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये डिलीट कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये लाइन डिलीट कर लेंगे, तो ये लाइन भी डिलीट, और उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ ये डिलीट, और ये सिलेक्ट करता हूँ ये डिलीट। ओके, और यहाँ पर ये जो हिडन लाइन है इसका लाइन टाइप स्केल हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे 10, एंटर करके देखेंगे। 10 अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं इसका लाइन टाइप स्केल दे देता हूँ 0.01, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइन टाइप स्केल सिलेक्ट करेंगे 0.1, एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर टॉप 2D प्रोजेक्शन इसका सेट कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद जैसे अब मुझे अगर इसका फ्रंट व्यू चाहिए, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम फ्लैट सॉर्ट कमांड दोबारा ले लेंगे, फिर यहाँ पर ओके करते हैं, और फिर यहाँ पर ये इंसर्शन पॉइंट पूछेगा, इंसर्शन पॉइंट मैं यहाँ पर ये देता हूँ, और फिर यहाँ पर टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू ले लेंगे। तो ये हमारा जो 2D प्रोजेक्शन है फ्रंट व्यू का, ये यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम मूव कर लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारा टॉप व्यू, और एक हो गया यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू। ओके, तो फ्रंट व्यू के अंदर दोस्तों हमारे यहाँ पर ये होल्स दे रखे हैं, तो इनके लिए हम यहाँ पर एडिशनल एक लाइन और क्रिएट कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पर लाइन कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर लाइन क्रिएट करूँगा, जैसे यहाँ पर ये क्लिक और यहाँ पर ये क्लिक, और इस लाइन की लाइन टाइप हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर लाइन टाइप के ऊपर चलेंगे, लोड के ऊपर चलेंगे, यहाँ पर हम सेंटर लाइन दे देंगे इसको, सेंटर ओके करते हैं। उसके बाद इस लाइन का लाइन टाइप स्केल चेंज कर लेते हैं 0.1, एंटर, और फिर यहाँ पर एस्केप की, और यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये जो लाइन टाइप मैंने यूज़ किया अभी सेंटर की, ये हम होल्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारा कहीं पर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर होल है, तो उसको हम फ्रंट व्यू में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे पता लग जाता है कि ये यहाँ पर हमारा होल क्रिएट हो रखा है। इसी तरह हम इसके बाकी व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, कि अगर आपको यहाँ पर ये व्यू अगर क्रिएट करना है, तो दोबारा आप फ्लैट सॉर्ट कमांड ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए, और फिर यहाँ इंसर्शन पॉइंट पूछा, इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर ये दे दीजिए। तो अब यहाँ पर टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू ले लेता हूँ। तो ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू आ गया। इसको मैं मूव कर लेता हूँ इधर से, ऑर्थो ऑफ कर लेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को ट्रैक कर लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके अलग अलग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर आपको यहाँ पर इस 3D ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टेड व्यू चाहिए, टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू ले लेता हूँ,
अब जैसे अगर मैं फ्लैट शॉट कमांड लूँगा और उसके बाद यहाँ पर ओके करता हूँ और फिर यहाँ पर ये क्लिक कर सकता हूँ मैं ये यहाँ पर। अब यहाँ पर टॉप व्यू लेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्टेड व्यू आ गया इसके अंदर। और यहाँ पर जो जो हिडन लाइन है उनको हम सेलेक्ट करके उनके लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये फ्लैट शॉट कमांड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है दोस्तों वो है यहाँ पर सॉल्व प्रूफ। सॉल्व प्रूफ कमांड बेसिकली यूज होती है लेआउट के अंदर। तो लेआउट के अंदर हम यहाँ पर जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है उसकी 2D प्रोजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो लेआउट टैब के अंदर चलेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर मैं टॉप फ्रंट लेफ्ट व्यू चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, फिर ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट एंटिटी, तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर राइट क्लिक, तो यहाँ पर यूज सेपरेट लेयर फॉर हिडन लाइंस यस कर देंगे। और उसके बाद प्रोजेक्ट रिजल्ट ऑन टू द प्लेन ये भी हम यस कर देंगे। और फिर यहाँ पर हाई टेंजेंशियल एज नो कर देंगे। और फिर यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्शन इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, एम एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो ये हमारा 2D प्रोजेक्शन क्रिएट हो गया है लेआउट के अंदर इस 3D ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्लैट शॉट और सॉल्व प्रूफ कमांड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय।